विकास के यही मतलब है, जो करे जो करे उसको फटाफट करिए आगे बढ़िए। एक रुपया से 10 रुपया बना देने की कोशिश कीजिए, आपका संपत्ति ठीक रहेगा, आपका देश ठीक रहेगा, आपका सब काम ठीक रहेगा। हमेशा आप भारत माता की जय बोलते ही रहेंगे। भारत माता की जय। किस तरह की सुविधाएं आप देंगे लोगों को? एक्चुअली मैं कई सालों से बिहार में काम कर रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, ये अपने दियारा क्षेत्र में भी गया, कई क्षेत्रों में गया, तो अपने समाज के ही कुछ लोगों की ऐसी स्थिति देखा मैं, जिनका बनियान तो पहन रखे थे लेकिन उस बनियान में कितने छेद था मत पूछिए। किसानों को देखा कि कोई भी किसान अगर मर जा रहा है उसको पूछने वाला कोई है नहीं, गरीबी। हम लोग यहाँ परमार जन कल्याण खोल के सोचे थे कि किसानों का कुछ किया जाए, लेकिन किसान हमारे जो है 99% बैंक के तरफ से ब्लैक लिस्टेड है। क्या ब्लैक लिस्टेड है? वो छोटा मोटा 2000-4000-5000 के कर्जे के कारण NPA में चला गया, वो ब्लैक लिस्टेड। इन सब चीज़ों को सोचते हुए भारत सरकार से परमिशन लेके एक बैंक का नींव मैं रखा हूँ, जो काम करेगा समाज के जो सबसे निचले पौधान पर लोग बैठे हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, हम उसके लिए काम करने जा रहे हैं। उनके लिए किसानों को अभी जैसे मैं आलू के समय में देखा कि आलू उगता है तो किसान लोग आलू अपना तो औने पौने दाम में बेच देते हैं, लेकिन बीज खरीदने के लिए कोई किसान 5% पर ब्याज पर पैसा लेके और आलू लगाए हैं। तो हम लोग सोचे हैं कि जैसे किसान खेती कर रहा है, आप पैसा ले लीजिए हमसे और उनको जो है खेती होने के बाद में आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ पैसा, बीज खाद बीज जो चीज़ चाहिए आप मेरे से लीजिए, जितना खेती है आप बताइए, खेती कीजिए, खेती फसल कटने के बाद में मैं आपको ले लूँगा, ज़रूरत पड़ा तो मैं आपकी फसल का ब्रांडिंग भी करा दूँगा। वैसे ही गांव घर में महिलाएं इधर उधर रहती हैं, झगड़ा होते रहता है, बच्चियां पढ़ी लिखी हैं कुछ नहीं कर रही हैं, उनके लिए हम लोग सोचे हैं कि अभी गेहूं को हो रहा है तो हम लोग की माँ भी जाता पीसती थी और पूरे परिवार का खाना बनाती थी, तो मैं भी बैरिंग वाला जाता मंगा रहा हूँ जिसमें औरतों को भार नहीं पड़े और अपना ही गेहूं पीस के और आप हमको दे दीजिए,
नॉर्मल गेहूं हो रहा है, आप लोग बनिया 16 रुपए किलो ले रहा है, फैक्स का रेट है 19 रुपए लेकिन देता है सब 17 रुपए 18 रुपए। मैं आपका गेहूं पीस के आप मेरे को दीजिए, मैं 24 रुपए किलो ले लेता हूँ। घरेलू बच्चियां हैं, उनको सिलाई मशीन के लिए, बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी चीज़ का आपको ज़रूरत हो आप लीजिए, लेकिन पैसे को अदायगी करते रहिए। एक चीज़ और मैं देखा था, गांव में औरतें होती हैं तो हमारे समाज में औरतों का इच्छा होता है कि अपने दामाद को पुतोह को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाए, लेकिन हम लोग के समाज में खास करके बिहार में दहेज प्रथा है, तो उस समय ऐसा हो जाता है कंडीशन की घर में पैसा नहीं होता है और सबसे पहले औरतों का जो है इच्छा दबा दिया जाता है। वो औरतें जिंदगी भर सोचती रह जाती है, बाद में पैसा आता है घर में, लेकिन उसका इच्छा जो है पूरा नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने औरतों को सोने चांदी का गहना अगर खरीदना हो तो उसके लिए भी हम एडवांस में लोन देंगे, उसको गहना खरीदाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कुछ बदलने की, बाकी देखिए भगवान है, आप लोग हैं साथ में मिलकर कुछ ना कुछ किया जाए। किसान ऋण ना दे रहे हैं या औरतों को जो ऋण दे रहे हैं ये ब्याज रहित होगा या ब्याज के साथ? नहीं सर, एक्चुअली ये पैसे जो है ये हमारे मेंबरों के हैं, तो मेंबरों को हमें तो सूद देना पड़ेगा, तो नेचुरली है कि हम ब्याज से सूद लेंगे तभी तो हम अपने मेंबरों को देंगे। कितना प्रतिशत देंगे? बैंक से कम। आरबीआई गाइडलाइन को पालन करते हुए? जी, आरबीआई गाइडलाइन को पालन करते हुए आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। तो कितना होगा आपके अंदर से, वो कितना प्रतिशत ब्याज होगा, लोग ये जानना चाहेंगे कि कितना ब्याज होगा? वो 4 से 10% 4 से लेकर 10% 10% तक है उसमें ईयरली पर। नॉर्मल बैंकों से भी हमने 2% ब्याज कम रखा है और दे रहे हैं हम लोग नॉर्मल बैंकों से 2% ज़्यादा।